इदरीस ने कुछ अपने लोगों को भिजवा कर आपके साथ अभद्रता भी की भाई, तो इसमें बताएं जरा। रब्ता मेरा कोई उन लोगों से नहीं हुआ, सिर्फ इकबाल से हुआ, जो इकबाल ने मेरे ऊपर कल जो हाथ उठाया था, मेरी कलाई पकड़ ली थी इसी जगह के मामले में। तो इकबाल किसकी शय पर ये काम कर रहा है? ये मतलब हमारी पार्टी में था, मैं बताया वो इदरीस की शय पर काम कर रहा वो। अच्छा, तो इस तरीके से जो हरकत ये इदरीस अली करवा रहे हैं, तो इस पर मतलब आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह कुछ तो की या नहीं अभी की? नहीं भाई साहब, हम मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं जी, हमारे नेताजी के हाथों में काम सौंप रखा है, जो 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 करेंगे वो होगा। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से वो लगातार बताया ये भी गया है कि कुछ महिलाओं को भी कोई लेटर वगैरह लेकर भेजा था? महिला को भेजा, खुद डाक के जरिए भी लेटर आया था। तो क्या था वो लेटर? इनके सामने आया। कुल मिलाकर इदरीस अली यहाँ जगह पर काबिज होना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात की वो बार बार आप लोगों से लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई और इसी बात पे इकबाल ने हमें हाथ पकड़ा, हमारा बदतमीजी को चाटा इसी जगह के बैठक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद साहब, आप सुना है यहाँ के मुतवल्ली हैं, जो ये दरगाह है, ज़रा बता दें उसके बारे में। उसके बारे में, ये जगह पे वो कब्जा करना चाह रहा था। कौन? इदरीस। अच्छा, उसने लेटर ही भेजे थे, हमारे नेताजी ने उसको फटकार दे के, उन्होंने 3-4 लोग भेजे थे, उन्होंने फटकार दी उसको कि अगर यहाँ आ गया तो अच्छी बात नहीं पड़ी, और अगर सईद को उसने 1 रुपया दिया हो, 1 रुपया, तो सईद 10 लाख रुपया गहना है। सुना है वो यहाँ से लोगों से अवैध तरीके से पैसे भी ले गए हैं इदरीस अली। ऐसा वो पैसे दिए हमने तो उसने कुछ काम करा था, ठीक है, रोका था, वो भरा था 80-70 हज़ार रुपये हमारे उठे थे, तो भाई जो आदमी काम करेगा तो वो तो खाएगा। हम ये आ जाओ ईमानदारी, तो मतलब आप मानते हैं पैसे खाए हैं उसने काम कराने के नाम पर? हाँ। तो अब क्या मतलब, ये जो महिला बैठी हैं इनसे भी यहाँ से पैसे लेके गए हैं वो, तो क्या मतलब आप लोगों ने उनसे बात की? मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझसे वादा कहा था कि मैं सईद भाई इनके पैसे दे दूँगा, तो मिलकर भाई ये धान लेवा, इसका कौन धनी दो, हम यहाँ इसको दरगाह पर मिल जा 100, 50, 150, 200 जो किसी हमने भेजा कर रही है, तो मैंने इसके पैसे इसको दे दो भाई लौटा के। नहीं दिए अभी तक? नहीं दिए। कानून के प्रति क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप, जो अवैध तरीके से मजबूर बेसहारा लोगों से वसूली करते हैं? देखिए, कानून तो ऐसा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मेरे पास इतना इल्म, लेकिन गलत तो आपको दिख रहा है कि गलत तो है, तो मैं तो शासन के सामने कर दूँगा, फिर शासन के सामने कर दूँगा, सबके सामने कर दूँगा, पैसे लेकर। ठीक।